नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े वीर योद्धा के बारे में, जिन्हें भारत का सबसे बड़ा वीर योद्धा माना जाता है, और वो कोई और नहीं, वो है मेवाड़ के महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उदयपुर में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप को मुगल शासकों के सामने कभी ना झुकने के लिए याद किया जाता है। कई वर्षों तक बादशाह अकबर के साथ युद्ध करने वाले महाराणा प्रताप का इतिहास प्रेरणा की तरह है। इन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए इतिहास में इनका नाम आज भी वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच व 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच, ढाल, तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ मैदान में उतरते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए मुगलों ने कई प्रयास किए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने उनके विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों की सेना के साथ संघर्ष किया। उनकी वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। महाराणा प्रताप और उनके प्यारे घोड़े चेतक की वीरता की गाथाएं आज भी उनके राजस्थान के कण कण में आपको मिल जाएगी। वो एक ऐसा महान राजा थे जिन्होंने कई वर्षों तक जंगलों में बिताए, घास की बनी रोटियां खाई और एक बार फिर अपनी सेना खड़ी की, लेकिन कभी भी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। ऐसे महान योद्धा को पूरा भारतवर्ष आज भी याद करता है। आपकी क्या राय है भारत के इस महान योद्धा के बारे में, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। मिलता हूं अगली ही ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।